डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन फ्रॉम क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ के पोएम द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में मैं नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। यात्री अपने आप को कहाँ पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। वह किस समस्या का सामना करता है। तो इसका आंसर है, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए येलो वुड वेयर टू रोड्स डाइवर्स। यात्री स्वयं को एक पीले जंगल में पाता है जहाँ पर दो सड़कें बटती हैं, अर्थात जहाँ सड़क दो भागों में बटती है। हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कुड नॉट डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड ट्रेवल। उसकी समस्या ये है कि वह डिसाइड नहीं कर सका कि वो किस सड़क पर यात्रा करे। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। वर्णन कीजिए कि इन वाक्यांशों का क्या तात्पर्य है, इससे तुम क्या समझते हो। नंबर वन है, ए येलो वुड, जो पोएम में आया हुआ है ए येलो वुड, इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, येलो वुड मीन्स ए फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। येलो वुड का अर्थ है पतझड़ के मौसम में एक जंगल, अर्थात पतझड़ के मौसम वाला जंगल। आपको बताया था पोएम के एक्सप्लेनेशन में कि पतझड़ के मौसम में जब पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से तो वो पीले पड़ जाते हैं, तो पूरा जंगल पीला दिखाई देता है, इसलिए येलो वुड उसको बोला है ना। तो येलो वुड का मतलब हुआ पीले पत्तों वाला जंगल पतझड़ के मौसम का। नेक्स्ट है, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। इसका मतलब है यह घास युक्त था, घास वाला था, और वांटेड वियर का मतलब आपको बताया था कि जहाँ पर यात्री ना चले हों, ऐसा सड़क थी वो, ऐसा रोड था जो घास वाला था और उस पर यात्री नहीं चले थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, द रोड वाज फुल ऑफ ग्रास। वह सड़क घास से भरी हुई थी। बिकॉज इट वॉज ए लेस ट्रेवल्ड रोड, क्योंकि यह ऐसी सड़क थी जिस पर लेस ट्रेवल्ड का मतलब कम यात्री चले हुए हों। इट वॉन्टेड पीपल टू ट्रेवल ऑन इट, इस पर चलने वाले यात्रियों की कमी थी। नेक्स्ट फ्रेज है, द पासिंग देयर। एक फ्रेज आता है द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरने वाले। तो इसका क्या था आंसर है इसका, दिस रेफर्स टू द पीपल पासिंग थ्रू द रोड। यह फ्रेज द पासिंग देयर इंगित करता है कि उन लोगों को जो उस सड़क से होकर गुजरे या गुजरते हों, उन लोगों को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। लीव्स पत्तियां, नो स्टेप कोई कदम नहीं, हैड ट्रोडन ब्लैक, कुचल करके काला किया था। तो इसका आंसर हुआ, इस फ्रेज का मतलब है, आंसर देखिए, इट मीन्स द लीव्स लाइंग ऑन द रोड हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स। इसका अर्थ है, वे पत्तियां लाइंग ऑन द रोड सड़क पर पड़ी हुई, हैड नॉट बीन क्रश्ड, जो कुचली गई नहीं थी, अंडर द फीट ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के पैरों के नीचे। इसका तात्पर्य ये हुआ, सड़क पर पड़ी हुई वे पत्तियाँ जिनको यात्रियों के पैरों के नीचे कुचल नहीं दिया गया था, अर्थात कुचल करके काली नहीं हो गई थी वो। नेक्स्ट फ्रेज है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इस फ्रेज का क्या अर्थ है। हाउ कैसे वे रास्ता लीड्स बढ़ता है ऑन टू वे रास्ते पर। तो ये शाब्दिक अर्थ हुआ इसका। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, हियर द पोएट सेज दैट वन रोड ऑलवेज लीड्स ऑन टू अनदर एंड सो ऑन। इस यहाँ कवि कहता है
कि एक सड़क सदैव आगे बढ़कर दूसरी सड़क से मिल जाती है और इस प्रकार से अगली सड़क आगे बढ़ जाती है। तो उसका कहने का तात्पर्य है कि रास्ता कभी समाप्त नहीं होता, आगे बढ़ता चला जाता है, ये इसका अर्थ है, जिससे कि कवि को दोबारा से वहीं उसी स्थान पर आने का अवसर ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम, क्या उन दोनों सड़कों के बीच में कोई अंतर है जैसा कि कवि वर्णन करता है उनका। नंबर वन इन स्टेंजाज 2 एंड 3, दूसरे और तीसरे स्टेंजा में, तो इसका आंसर है द पोएट डिस्क्राइब्ड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, कवि वर्णन करता है कि दोनों सड़कों के बीच में कोई अंतर नहीं है। बट ही फेल्ट वन ऑफ द रोड मोर ग्रासी, लेकिन उसको एक सड़क ज़्यादा घास वाली लगती है। इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की अंतिम दो पंक्तियों में, तो इसका आंसर है इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट, कविता की अंतिम दो पंक्तियों में कवि बताता है कि द रोड विच ही चूज फॉर इज लेस ट्रेवल्ड, कवि बताता है कि जो सड़क उसने चुनी या जिस सड़क को वो चुनता है, इसमें चोज कर लेना CHOSE हो जाएगा, डबल ओ की बजाय चूज में से एक ओ समाप्त कर देना, गलती से लिख गया होगा, तो ही चोज फॉर इज लेस ट्रेवल्ड, जिसको उसने चुना कवि ने, या चूज में ऐसे लगा सकते हैं, चूजेस, जिसको कवि चुनता है वो कम यात्रा की हुई है, अर्थात उस पर कम यात्री चले हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइंस ऑफ द पोएम मीन, आपके विचार से पोएम की अंतिम दो पंक्तियों का क्या अर्थ है। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, पीछे देखते हुए, वापस देखते हुए, क्या कवि अपनी चॉइस पर, अपने चुनाव पर पछतावा करता है, पछतावा होता है उसे, या वह इसे स्वीकार कर लेता है। तो इसका आंसर है इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, इस पोएम की अंतिम दो पंक्तियों में द पोएट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, कवि अपनी राय व्यक्त करता है, दैट कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, कि जीवन में सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। द पोएट डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रेवल्ड रोड, कवि ने ऐसी सड़क को चुनने का निश्चय किया जिस पर कम यात्रियों ने यात्रा की थी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ नया अनुभव करना चाहता था। और इसी सेंटेंस में जो आपको दिख नहीं रहा बच्चों, एक और सेंटेंस लिख लेंगे जिसको मैं बोल रहा हूँ, सुन के लिख लेंगे, इसी आंसर में है नो, नहीं, द पोएट डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस, कवि अपनी चॉइस पर पछताता नहीं है, अर्थात वो अपने चॉइस से संतुष्ट होता है। तो ये वर्ड जो मैंने अभी बोले हैं, नो द पोएट डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस, इसको इस क्वेश्चन में और जोड़ लेंगे। वेल स्टूडेंट्स, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, और कृपया मेरे चैनल को, जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अंत में देखने के बाद लाइक करें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें और इनको याद करें, पेपर की तैयारी करें। और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।